अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं हूं आपका दोस्त शाज़ेब और आप देख रहे हैं नबी तैयारी। मेरे साथ आज इस ब्लॉग में मौजूद हैं रहील, अस्सलामुअलैकुम, और अली मलिक, अस्सलामुअलैकुम, और कैफ अली, अस्सलामुअलैकुम। और तो और हम आज इस ब्लॉग जो बना रहे हैं उसका आज का जो पर्पस है वो ये है कि हम आज बहुत गमगीन भी हैं और बहुत खुश भी हैं। गमगीन इसलिए हैं कि अली साहब जो हैं वो हमें छोड़ के आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, और खुश इसलिए हैं कि वो वक्त आने का आपको बताऊंगा, अभी हम इससे बात करते हैं। क्योंकि अली साहब जा रहे हैं हमें छोड़ के, इस वजह से हम थोड़े गमगीन थे क्योंकि इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, हमने बहुत अच्छा टाइम इनके साथ किया। अली साहब से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं छोड़ के हमें और किस वजह से जा रहे हैं। हाँ जी अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके दोस्त अली शेख, और मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री काम के सिलसिले में, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से मैंने उनको लड़का दे दिया कि ये मेरी जगह पे वीडियोस बनाएगा। तो आज ये मेरा लास्ट व्लॉग है, और आज मैं जाने की वजह से गमगीन भी हूँ क्योंकि मैंने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, और इंशाल्लाह मैं वापस आने पर इनके साथ ज़रूर अपने दोबारा ये ग्रुप ज्वाइन करूँगा, और जब तक अल्लाह इनको ज़रूर अल्लाह इनको कामयाब करे। हाँ, और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अपने चैनल में जगह दी। बिल्कुल बिल्कुल, इनके साथ काफ़ी वर्क किया है, तो जैसे अगर आप मेरे वर्क को देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस को जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें आप, ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो सके, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे चैनल को तरक्की दे और हम सबको कामयाब करे। शुक्रिया। और जैसे कि अब मैंने इनको लड़का दिया है, और अब जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने हमें एक न्यू भाई दिया है, तो हम चलते हैं असद साहब, असद भाई की तरफ जो अली साहब ने हमें दिया अपनी जगह पे, वो तो जा रहे हैं अब गम के पर्दों को हटा के खुशी की तरफ आते हैं। तो गाइस आपको मिलाते हैं आज की न्यू मेंबर जो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, उनका नाम है असद अली। तो चलते हैं आज असद अली की तरफ। जी असद अली, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त असद अली। आज मैं बैठा हूँ शाज़ेब, राहील, अली शेर और कैफ के साथ। मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म में जगह दी, मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आप आए हमारे पास, आप हमारे पास आए। तो यूँ करो कि असद अली आप इधर आ जाओ, अली भाई आप इधर आ जाओ, मैं इधर, क्योंकि मैं तो यहाँ से निकल चुका हूँ, तो मेरी जगह पे बैठेगा। हाँ तो आप वही तो मैं। तो असद अली आप मुझे ये बताइए कि आपकी रोज़मर्रा की मसरूफियात क्या है। सुबह के टाइम स्कूल जाना होता है, 7 से 2 बजे तक मेरा स्कूल में गुजर जाता है, वहाँ से वापस आने पर खाना खा के अकेडमी और वहाँ से रात। यानी कि आपका यानी स्टडी में टाइम गुजरता जी, जी कोई सोशल एक्टिविटी ज़्यादा तो नहीं, बस मैं टिकटॉक बनाता हूँ, वो भी अगर कोई वक्त मिल जाए तो उस टाइम में बना लेता हूँ, और मेरा कोई है। उसके अलावा कोई क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा तो कुछ पसंद नहीं है, बस दोस्तों के साथ चला जाता हूँ क्रिकेट खेलने, वो भी संडे को जब टाइम मिल जाए। अच्छा। तो असद भाई मुझे ये बताओ कि इस पूरे उसमें पूरे दिन में आपको तो टाइम ही नहीं मिलता किसी सोशल एक्टिविटी के लिए, तो आप हमें कैसे टाइम देंगे, हमारे पास कैसे आप आ सकेंगे। देखिए कि मैं तो शुरू से आपकी वीडियोस लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, मैं रहता हूँ आपकी कॉलोनी में। हाँ जी। तो मेरा पूरी कोशिश थी कि मैं ना आपके साथ काम कर सकूँ। अच्छा। तो ये मौका मुझे मिल गया, तो मेरे बाबा ने भी बहुत पोस्ट किया आपको कहा। अच्छा। जिसकी वजह से आपने मुझे जगह दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, नबी कैफ भाई, थैंक यू, शाज़ेब भाई और अनिशेद भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक हो गया। असद अली मुझे ये बताओ कि आपके फादर ने, मुझे खुशी हुई है ये सुन के कि आपने फादर ने भी कहा कि हाँ जाओ, आपको इस प्लेटफॉर्म आपको प्लेटफॉर्म मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला इंशाल्लाह, आपको जब आप इसमें आएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका ब्रेन अब्रॉड होगा इंशाल्लाह। तो आपके घर की आपकी फैमिली की क्या एक्सप्रेशन थे जब आपने उनसे ये बात की कि मैंने वहाँ जाना है। वो तो बहुत खुश हो गए कि ना आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे पोस्ट किया, उन्होंने कहा आप कर लें, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था आपके साथ काम करने के लिए। सही है। बहुत कोशिश की मैंने कि आपसे बात कर सकूं, मिल सकूं, ताकि आपके साथ काम कर सकूं। ठीक हो गया। फिर मैंने बाबा से बात की तो वो बहुत खुश हुए कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने आपसे बात की, जिसकी वजह से मैं आपके प्लेटफॉर्म में आया काम कर रहा हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, हमारे साथ काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत आगे जाएंगे। जी जी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शाज़ेब भाई, और सबसे बड़ी बात कि मैं अली का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे जगह दी यहाँ,
बहुत से लड़के थे, बहुत से लोग थे जो कह रहे थे कि हमें काम दें, मगर मैं शुक्र गुजार। बिल्कुल ऐसे ही है, रोज़ कभी किसको फ़ोन आ रहा होता, कभी किसको मैसेजेज आ रहे होते हैं कि हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ऐड कर दो, हमें ऐड कर दो। हमने वही तो कहा कि अली की वजह से अली जा रहा है, उसने हमें कहा कि मेरा है, मैं अपनी जगह पर आपको दे रहा हूँ, तो अली की वजह से हमने आपको ऐड कर लिया। जी जी, बहुत अच्छा लड़का है, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह हमारी उम्मीदों में पूरा उतरेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, हम असद अली को खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में, तो खुश आमदीद असद अली, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा हमारे व्यूवर्स की तरफ से भी वो रिस्पॉन्स मिलेगा, हमारे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं। तो अब हम पूछते हैं अपनी टीम की तरफ, टीम से, कि वो क्या फील कर रहे हैं कि हमारे दरमियान एक नया मेंबर आया अली की जगह पे। उनसे यही पूछते हैं कि अली हमसे हमें छोड़ के जा रहा है, तो उसके बारे में उनके क्या तासुरात हैं, और एक नया मेंबर हमारे दरमियान आ रहा है और उसके बारे में उनके क्या रिस्पॉन्स है। तो हम पूछते हैं, पहले चलते हैं रहील की तरफ और वो उससे पूछते हैं कि अली के जाने का गम और असद के आने की खुशी क्या है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम। मैं इतना गमजदा हूँ कि मुझे आज बोला नहीं जा रहा, बहरहाल बोलना पड़ेगा, तो बोलना तो पड़ेगा। खैर, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा गमजदा हूँ अली भाई जो हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो अली भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी रह चुके हैं मेरे, हमारे साथ काफ़ी काम। हाँ, वो मुझे पता है, तुम दोनों की जो जोड़ी है ना, वो लैला मजनू की जोड़ी है इनकी। मैं आपको बिहाइंड द सीन नहीं बता सकता जो ये लोग खिचू मिचू करते हैं। यकीन करें हमें इन्हें अलग करना पड़ जाता है, भाई उठ लो काम कर लो। मैं आपको नहीं बता सकता बिहाइंड द सीन्स हमें इन दोनों को कैसे अलग करना पड़ता है, लेकिन वो मैं समझ सकता हूँ उसका दुख, वो हमें छोड़ के जा रहा है, हमसे ज़्यादा उसको दुख होगा। तो बिल्कुल हमारे खैर कॉन्टैक्ट तो ख़त्म नहीं होगा, वो तो रह जाएगा। और दूसरा खुशी भी है कि मुझे साथ हमारे असद भाई हैं, खुश आमदीद सबसे पहले मैं इनको कहूँगा, थैंक यू, जो उन्होंने हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। बिल्कुल, और उम्मीद है कि हमारे साथ बहुत अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह। और बार दुख मुझे खुशी से ज़्यादा दुख है बड़ा, वो मुझे अंदाज़ा है, छोड़ के जा रहे हैं अली भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो हम व्यूवर्स चलते हैं कैफ अली की तरफ, उससे पूछते हैं अली के जाने का गम और असद के आने की खुशी। तो कैफ अली बताओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों तरफ से खुशी है। क्यों दोनों तरफ से खुशी है? मेरे साथ हर वक्त फूफो की तरह लड़ता रहता है ये यार, वो तो मुझे पता है वो लड़ता रहता था, उसको छोड़ो। मुझे गम बताओ, गम नहीं है कोई? नहीं बिल्कुल, खुशी बहुत है। किस बात की? जा रहा है और असद के आने की बहुत, उसकी बहुत खुशी है, इसकी बहुत खुशी है। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारा अली के साथ टाइम कैसे स्पेंड हुआ है? बहुत बुरा। वाह, बहुत बुरा, बुरा वक्त आता है यार, ये तो गलत बात है। हाँ तो ये मुझे ये बताओ कि असद के आने की क्या खुशी है? असद तो मैं कलोनी में भी रहता हूँ और मेरा एज फैलो भी है, इसलिए हमारे तो दोस्ती है, ये भी है। आप दोनों मेरे से बड़े थे तो हम दोनों एज फैलो। तो गाइस, हम बहुत गमगीन हैं कि अली जा रहा है, बहुत गमगीन हूँ मैं तो कि अली मुझे छोड़ के जा रहा है। अब मुझे वो फीलिंग्स नहीं आएंगी जो अली के साथ आती थी। अच्छा खैर, छोड़ो उस बात को कि अब अली जा रहा है, कि उससे हमें पता चला गया था कि उसको ये फूल बहुत पसंद है, तो हम उसको ये फूल देंगे। उसके बाद हम क्लैपिंग करते हैं यार इसके लिए, ये बहुत जिम्मेदार है। अच्छा खैर छोड़े, अच्छा अली जा रहा है, उसके लिए मेरे जहन में कलाम आ रहा है, तो मैं कहता हूँ रहील और मैं मिलके वो पेश कर देते हैं जाते जाते। तो अली भाई, आपको ये कलाम रेकमेंड करूँ, गौर कीजिएगा। ले गए नाले हासे, टूर गए यार मोहब्बत वाले, ले गए नाले हासे, टूर गए यार मोहब्बत वाले। क्या ढरमाने। अच्छा गाइस, चलते मिलते हैं, बस बस बस, अल्लाह हाफिज़।